अब इस साल क्या हो रहा है कि कुछ व्यापारी आ रहे हैं, जनरल आम 32 रुपये 35 रुपये केजी के हिसाब से वो मांग रहे हैं, किसान अभी नहीं बोल रहा है, नहीं दे रहा है, और बैगिंग का 80 रुपये मांग रहे हैं, तो ये खुला सीधा अंदाजा है। और दूसरा पॉइंट ये है कि हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि 15 से 20% वेट इसका प्लस हो जाता है। बैगिंग से कई लाभ, सबसे पहला लाभ तो ये है कि इसमें जो अंधाधुंध पेस्टिसाइड का स्प्रे होता है तो एक तो उससे रोकथाम होती है, दूसरा कोई बीमारी इसमें नहीं लगती है। आम की खेती एक व्यापक पैमाने पर उत्तर प्रदेश में होती है और जैसा कि आप जानते हैं कि आम बहुत सारी बीमारियों, कीड़ों, आंधी तूफान बारिश सबसे सबकी मार झेलता है। और एक ऐसी तकनीक है बैगिंग की टेक्नोलॉजी जिसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसे पिछले कुछ वर्षों में CISH यानी कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ने किसानों के बीच एक बड़े पैमाने पर इसको फैलाया है। और ये फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन आप मलिहाबाद के क्षेत्र में या आप वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इस इंस्टीट्यूट ने इसको फैलाया है। इसमें कई सारे बड़े फायदे होते हैं, ये तो खास तौर पे एक रंगीन किस्म है, इसके लिए इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट बैग हैं उनका उपयोग होता है, लेकिन जो हमारी दशहरी है, जो लंगड़ा है, चौंसा है, इनके लिए एक जो डार्क कलर का ब्राउन बटर पेपर है उसका उपयोग होता है। तो जब 3 से 4 सेंटीमीटर के फल हो जाते हैं तब इनको हम लोग बैग कर देते हैं। और ये जो फल आपके पकते हैं, ये फल न केवल इनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है करीब 7 से 8 दिन, बल्कि ये इनमें रंग जो आता है यूनिफॉर्म रंग आता है, एक जैसा कलर आता है और इनका TSS भी बहुत अच्छा होता है। और लगभग इसकी कीमत 2 से 2.25 रुपये प्रति बैग आती है इनकी। ये जो कलर्ड जो ट्रांसपेरेंट बैग हैं इनकी तो सस्ती होती है, ये तो 1 रुपये के करीब आते हैं, लेकिन जो ब्राउन पेपर बैग हैं वो करीब 2 से 2.25 रुपये के पड़ते हैं, लेकिन किसानों को इससे भारी आमदनी होती है। अगर आप पिछले वर्ष के देखेंगे आप आय में, तो जिन किसानों ने बैगिंग किया उनको एक बहुत अच्छी आय प्राप्त हुई। हम 2011 से CIS से जुड़े हुए थे, पिछले साल हमको 250 बैगिंग दिए गए थे एक प्रयोग के तौर पर वहाँ से, तो हमने लगाया, तो हम अपने आर्चर्ड में करीब 30 कैरेट जिसमें बेस केजी आम होता है वो हमारा मंडी में गया तो 600 रुपये का बिका, 20 केजी आम 600 रुपये का। और जो बैगिंग के हमारे 2 कैरेट आम निकला वो हमारा 1700 रुपये कैरेट बिका, तो मुझे लगा तो ये तो दूनी का लाभ दिख रहा है। तो हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की मनीष सर से कि ये सर इस पे आगे बढ़ाया जाए, इसका प्रचार प्रसार अधिकतम किया जाए, कुछ सिलेक्टेड किसानों तक ही सीमित न करके ग्रास रूट तक हम इसको पहुँचाएँ। खैर उन लोगों ने हमारी रिक्वेस्ट को फॉलो किया और इस साल हमें लगता है यहाँ पर 5-7 लाख बैग लग चुका है, हमें जो थोड़ा बहुत अंदाजा है, बाकी अधिकारी लोग ज़्यादा अपना इस पर आइडिया दे सकते हैं। तो हमें लगता है कि जो हमारी क्वालिटी 5-7 पहले से डाउन हो रही है, उस डाउन से हमारी आम की वैल्यूएशन घट रही है। जब वैल्यूएशन और इसकी क्वालिटी नहीं रहेगी तो हमारा आम कोई नहीं खाएगा, सेब खाएगा, आम क्यों खाएगा, एक बार ले करके उसका टेस्ट ले लेगा, दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि हमारे पुरखे जब आम मार्केट में जाता था वो बार बार लोग वही आम खाते थे, बाकी फ्रूट रखे रहते थे, ख़राब होते थे। लेकिन हमारी जो ये क्वालिटी जो डिस्टर्ब हुई है वो मौसम की वजह से, कीड़ों की वजह से, रोगों की वजह से के, और हमारा जो परिवर्तन भी, जो पुराने ज़माने में जो हमारा मौसम हुआ करता था उसके अनुकूल मौसम इस समय नहीं है, बदलाव बहुत काफ़ी आ गया है, वो ग्लोबल वार्मिंग हो क्या है वो तो साइंटिस्ट जाने, लेकिन हम लोगों को ये लग रहा है। फिर हम लोगों ने जब पिछले साल ये प्रयोग किया तो हमें लगा हमें बड़े स्तर पर जाना चाहिए, तो हमने 8000 बैगिंग लगाई हुई है। जब हम बैग 60 दिन के लिए लगाते हैं तो हमारा वेट जो जनरल जैसे 300 ग्राम का हमारे बाग में आम हुआ करता था, तो जब बैग हमने लगाया तो 360 ग्राम का एवरेज आया, तो हमें लगता है कि बैग की कीमत तो आम ला रहा है, इसलिए बैग को हमें ज़्यादातर आगे ले जाना। और किसान अब समझ भी रहा कि नहीं इसमें तो हमारा कोई घाटा ही नहीं है, आम तो दूने पे बिक रहा बिकेगा, ये संभावनाएं हैं,
लेकिन अगर हम क्वालिटी मेंटेन करी तो हमारी पहचान डेवलप होगी, ये एक विषय, वो पैसा भी अच्छा मिलेगा। कोरोना काल से ही हमें लगता है कि जो वायरस मनुष्य को नुकसान कर रहा है, कोई कुछ अनेक प्रकार के वायरस हमारे पेड़ पौधों को भी और वायुमंडल को भी नुकसान किया है। तो हमारा 4 साल से फ्रूट जो प्रोडक्शन हुआ इतना ख़राब हुआ कि जो मार्केट में पैसा नहीं मिला, तो हमें जो लागत और आमदनी के बराबर पहुंच गए, जो हमने अगर 1 लाख रुपया अपने अचर्ड में खर्चा किया है तो 1-1.5 लाख रुपया मिल गया, तो 50,000-25,000 तो हमारी मजदूरी हो गई जो हम दौड़ रहे हैं, तो हम उसको बराबर मानते हैं। लेकिन पिछले साल जो 250 बैग का हमने ये प्रयोग देखा तो हमारा एक उत्साह वर्धन हुआ और हमने 8,000 इस साल लगा दिया। अगले का प्लान है हम 1 लाख बैग हम स्वयं लगाएंगे, और हमें लगता है कि हमारा लक्ष्य इस माल फल पट्टी में मलिहाबाद काकोरी को छोड़ करके यहाँ 1 करोड़ बैग अगले साल लगने की संभावना हमें दिख रही, जैसा कि फीडबैक ग्रास रूट से फार्मर्स का आ रहा। जनरल ऐसा है कि हम लोगों का एक्सपोर्ट क्वालिटी का आम 80% निकलता था पुराने ज़माने में, 80% जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी का 225 ग्राम से लेकर के 450 ग्राम तक आम हुआ करता था, लेकिन वह क्वालिटी घटी, अब हमारा 150 ग्राम से लेकर के 325 ग्राम तक रह गया है। जो वो क्वालिटी पहले राइज कर रही थी हमारे पुरखों के पीरियड में, वो हम डाउनफॉल पे गए हैं, लेकिन अब हम CISH और साइंटिस्टों के सम्मिलित प्रयास से अब हम लोग, हमें कॉन्फिडेंस आया है कि हम उसको राइज कर ले जाएंगे। अब जैसे कि बैगिंग का विषय है, बैगिंग में 15 से 20% वेट प्लस हो जाता है, तो इसके माने अब हम उस पुराने ज़माने की तरफ जा रहे हैं। और हमें लगा हम पिछले साल जो 40 किलो आम हमने बैग का उठाया था वो था, मुझे लगता है 20% प्लस था, तो हम लग रहा है कि हम 2 साल में हमारे पुराने ज़माने का जो आम हुआ करता था वो रसीला होकर था वो आप हम दे पाएंगे 2 साल। 5 साल पीछे अगर चले जाएं तो लोग डिप्रेस में थे, जितना मैंगो फार्मर्स आर्चर्ड वाला किसान था वो सब डिप्रेशन में था, उसके मन के अंदर यही भाव था कि आम किसी तरह इसको कटवा दिया जाए और मैं खेती करूं, क्योंकि खेती में आमदनी ज़्यादा दिख रही थी। तो अब चूँकि शासन का आदेश है कि पेड़ नहीं कट सकता, वो एक बाध्यता थी, उसका डिप्रेशन वहीं दब गया। लेकिन जब ये साइंटिस्टों ने, अब जैसे IPM ने, CISH ने, उद्यान विभाग ने, ये काफ़ी सम्मिलित प्रयास किए, लोगों में जागरूकता आई, तो पहला काम है कि हमारे बेल्ट में जो जंगल बन गया है आम का बाग, उसकी प्रूनिंग की जाए, एक वैज्ञानिक तरीके से प्रूनिंग कराई जाए, उसके लिए प्लान किया जाए। चूंकि शासन ने पेड़ को 12 से 15 फुट या तीसरी डाली के ऊपर कटने की अनुमति दे दी है, लेकिन फिर भी किसानों को अगर एक मॉडल के रूप में हर गांव में 10 किसानों को एक टीम आकर के उसको प्रूनिंग कराए तो एक प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। जब प्रूनिंग होगी तब हम जा करके इस पेड़ों की हाइट को कम करेंगे, बैगिंग सब में लगा सकेंगे। 80 फुट के पेड़ में हम कैसे लगाएंगे बैगिंग, समस्या ये है। अब जैसे ये मेरा आचर छोटा है, कम उम्र का है, तो हम इसमें लगा पा रहे हैं, और ये पुराने ये करीब करीब 80 फुट का ऊंचा पेड़ है जहाँ पर हम खड़े हुए, तो इस पर बैगिंग नहीं हो सकती। इसके माने हम क्वालिटी में कहीं ना कहीं समझौता कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल समझौता न कर सकें, 100% इस सिस्टम में जाएं, उसके लिए पूरी बेल्ट में एक प्लान होना चाहिए सरकार से, जो कि प्रूनिंग की जाए पुरानी बागों को।